मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले एक सप्ताह में केस हुए दोगुने, इनमें 75% से ज्यादा केस इंदौर और भोपाल के आए सामने। प्रदेश में बेमौसम बारिश से बड़ी ठंड, अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी, किसानों की बड़ी परेशानी। पुष्पराजगढ़ में बारिश का कहर जारी, आकाशीय बिजली की चपेट में आए दो लोग, एक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बचपन का प्यार फेम सहदेव हुए आईसीयू में भर्ती, सिंगर बादशाह ने फोन पर जाना हाल और दिया मदद का भरोसा, बाइक अनियंत्रित होने से हुआ एक्सीडेंट। और देवास में मास्क नहीं लगाने से हुआ बवाल, दवा कंपनी की मालकिन ने पुलिस के साथ भिड़ी, कांस्टेबल को धक्का देकर जमीन पर गिराया, पुलिस ने मारी चप्पल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीनगंज नगर में नवदुनिया पत्रकार समूह द्वारा सभी कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए, जहां पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिश्रा का स्वागत किया। समारोह में हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता सहित आमजन शामिल हुए। बलरामपुरा के भीतर चुरा में फिर हाथियों का आतंक शुरू हो गया है, जहां हाथियों ने एक ग्रामीण को अपना शिकार बना लिया, जिससे ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। तेज बारिश के दौरान युवक गाय बांधने जा रहा था, जहां दो हाथियों ने घेर कर कुचल दिया। आपको बता दें, बीते कई दिनों से दर्जनों हाथी क्षेत्र में घूम रहे हैं। दो दिनों से हो रही बारिश के बाद अब जंगली हाथियों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जशपुर जिले में हाथियों ने तपकरा और पत्थर गांव के वन परिक्षेत्र में 5 घरों को तोड़ दिया। वहीं घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। रात को 1:30 बजे हाथी आ गया, फिर हम लोग का घर को पूरा ढांस उसके तहस नहस हो गया और हम लोग एकदम घर से भाग गए, दौड़ते दौड़ते भाग गए, बहुत मुश्किल से निकल गए हम लोग घर से, पूरा घायल हो गया हम लोग का, पूरा सामान वगैरह घर भी सब तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, रहने लायक नहीं है। बिरसिंहपुर के पचली पंचायत से मामला सामने आया है, जहां सरपंच पद के लिए प्रत्याशी रहे उजैनी गांव के कृष्ण प्रकाश गौतम ने चुनाव रद्द होने पर पूरे गांव में बैंड बाजा बजाकर खुशी जाहिर की है। इनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी था और उन्होंने काफी पैसा चुनाव की तैयारी में लगा दिया था, अब यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। छोटे भाई कृष्ण प्रकाश जी ने सरपंच का चुनाव लड़ा और इनके साथ हम सेना से रिटायर होकर पहली बार पार्टिसिपेशन किया और लोगों का उत्साह इनके साथ लोगों का देखा और हमें खुशी हुआ कि लोग इतने साथ में आए कि हमारा एक जुझारू ईमानदार सरपंच बनेगा तो खुशी होगी, विकास होगा। तो इसलिए ये खुशी में कि अगले भी उत्साह से करेंगे और इसी तरह से कि जब फैसला आएगा तो अभी भी हमारा धीरज रहे, जोश रहे, हौसला रहे, मनोबल ऊंचा रहे, इसलिए बाजा बजवा रहे हैं कि लोग निराश ना हो और जो भी फैसला दोबारा आएगा उसमें दोबारा से इसी जोश के साथ काम हो, आगे लड़ें प्रत्याशी को जिताने के लिए। आप यहाँ के प्रत्याशी थे? हाँ जी जी। बैंड बाजा बजवा रहे हैं आज, क्या क्या खुशी है? खुशी है जो सरकार ने निर्णय लिया है, पहली तो ये खुशी है, जो सबके हित में जो फैसला हुआ है उसको मान करके बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई है और परमात्मा का भी निर्णय मंजूर है जो भगवान ने किया, जनता की खुशी को देखते हुए बड़ी प्रसन्नता है हृदय से। क्या था चुनाव चिन्ह आपका? चुनाव चिन्ह ताला चाबी थी। कितना पैसा खर्च हो गया था अभी तक? पैसा हो गया, कोई ज्यादा नहीं खर्च हुआ था, ये बैलेट वैलेट पेपर छपवा लिए गए थे। तो दूसरी ओर लोग मासूम हैं, परेशान हैं कि हमारा इतना पैसा खर्च हो गया? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं मासूम है, बड़ी प्रसन्नता है। अच्छा। हाँ, पैसा तो आता जाता रहता है जीवन में, लेकिन जो सरकार निर्णय करती है उस निर्णय को भी मानना चाहिए, ये सबसे बड़ी खुशी है। अभी जब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है जी, मौका मिला घूमने का और सबसे मिलने का, इसी बीच में
और जनता के साथ जो है ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता। सब प्रत्याशियों को मैं कहूंगा सबको खुशी मनानी चाहिए। राजस्थान से निकली मौसमी हवा का असर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दो दिनों में बारिश और ओले गिरने की संभावना बनी हुई है। द्रोड़ी का जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान से तेलंगाना तक विदर्भ होते हुए गया है, जिसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। इसके पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने के कारण से पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी द्रोणिका है वो स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश के मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के अनेक स्थानों पर, जबकि बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिलासपुर संभाग के अतिरिक्त जो दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के जिले हैं उसमें भी हल्की बारिश एक दो स्थानों पर होने की संभावना है। चूंकि कंडीशन ओला गिरने की बनी हुई है, केलहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोटकी ग्राम पंचायत का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों की जागरूकता से पंप चोर गिरोह को पकड़ लिया गया और पंप चोर गिरोह को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने चोरों के पास से 5 पंप बरामद किए हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में बैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली। यात्रा बैरागढ़ कालका चौराहे से बैरागढ़ बस स्टैंड तक निकाली गई। इस जन जागरण यात्रा का उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करना और कपड़े पर 12% GST का विरोध करना है। इस मौके पर भोपाल के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित अनेक कांग्रेस नेता शामिल हुए। आज यहाँ जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। जन जागरण यात्रा का हमारा मकसद ये है कि जनता तक पहुँचना, दुकानदारों तक पहुँचना, आम जनता के बीच में अपनी बात रखना और देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में हमारा विरोध प्रकट करना। हम बात डीजल की करें तो डीजल के दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं, हम बात पेट्रोल की करें तो पेट्रोल के दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम बात घर में किचन चलाने के लिए रसोई गैस के सिलेंडर की बात करें तो उसके दाम भी हर महीने कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। जब ये डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं तो घर का बजट ख़राब हो जाता है, आम जनता परेशान होती है और कहीं ना कहीं महंगाई की मार आम जनता के ऊपर पड़ती है। ये हमारी जन जागरण यात्रा का आज उद्देश्य था। जन जागरण यात्रा का आयोजन माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पासो जी के आह्वान पर हम लोगों ने आम जनता की मांग को लेकर, व्यापारियों की मांग को लेकर और कपड़े पर पड़े हुए GST को लेकर आज संत नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई आज गांधी प्रतिमा पर समापन किया। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार महंगाई को दिन पर दिन सुरसा की तरह बढ़ा रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब सब गरीब मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की, सबकी मांग को लेकर इसी तरह के प्रदर्शन और आंदोलन करती रहेगी। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद कई युवा उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अशोकनगर जिले के बमनाई गांव के छात्र आशीष यादव ने नेपाल में महज 17 साल की उम्र में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। बीते दिनों इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने के बाद आशीष का सपना है कि अब वह ओलंपिक में जाए। बता दें, आशीष ने इंटरनेट पर देखकर घर में ही बॉक्सिंग सीखी है। यह बॉक्सिंग की प्रतियोगिता थी, इसमें मेरी एज के आए थे एक बंदा, उससे नेपाल में था, उससे मेरी फाइट हुई थी और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता मैंने भारत के लिए। आपको बॉक्सिंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बॉक्सिंग जाने की प्रेरणा मेरे स्कूल से मिली, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से। उसमें मार्शल आर्ट की गेम आते थे, विद्या भारती की तरफ से मैंने खेले, फिर इसके बाद लॉकडाउन के चक्कर में फिर मैंने ओपन खेले नेशनल। अशोकनगर में आपको कौन इसकी ट्रेनिंग देता है? असल में मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं देता, मैं घर पर ट्रेनिंग करता हूँ।
अच्छा, आपका भविष्य में क्या प्लानिंग है बॉक्सिंग के लिए? भविष्य में प्लानिंग है कि ओलंपिक में जाके भारत के लिए गोल्ड मेडल लगाना। सिंगरौली में बेमौसम बारिश से पति पत्नी की मौत का मामला सामने आया है। सरई थाना अंतर्गत बरका चौकी के गांव पुरैल की घटना बताई जा रही है, जहां दिवेश वर्मा पत्नी आरती वर्मा के साथ अलाव ले रहे थे, जहां पति नेत्रहीन पत्नी की सेवा में लगा हुआ था, तभी अचानक से बिजली गिर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 छोटे बच्चे असमय ही अनाथ हो गए। वहीं पुरैल पंचायत द्वारा अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है। वहीं बरका पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों का पोस्टमार्टम कराया है। ग्वालियर लोकायुक्त ने सरपंच के बेटे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत पुट्ठी के सहायक सचिव सचिन पांडे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सचिव 7,000 रुपए की रिश्वत लेते सरपंच के घर पहुंचा था और सरपंच से पंचायत के निर्माण कार्य को लेकर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त के तौर पर 3,000 रुपए दे दिए गए थे। वहीं दूसरी और फाइनल किस्त के 7,000 लेना बाकी था, जिस पर अब सचिव की गिरफ्तारी हो गई है। ये रोजगार सहायक सचिन पांडे, इसने जो है अपने पंचायत में निर्माण कार्य जो अभी चल रहे हैं, पंचायत भवन, बाउंड्री वॉल, हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के, उसके एवज में जो है 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। तो मैंने इससे कहा कि चल मैं पैसे की 2-3 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ, तो इसने कहा ठीक है। तो मैंने इसको जो है 25 तारीख को 3,000 रुपये उसके एवज में दिए और फिर 2-3 दिन का समय मांगा कि मैं और 7,000 रुपये बचे बकाया के 2-3 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ। फिर 7,000 रुपये मैंने आज जो है जाके मैंने लोग आयुक्त टीम को बताया, वहाँ से तैयारी करके आज जो है उसको दिए, यहाँ टैप कराया। लोकायुक्त ने जो पुट्टी ग्राम है, यहाँ ग्राम पंचायत है, उनके जो सरपंच अंगूरी देवी, उनके पुत्र जितेंद्र वारे ने शिकायत की थी 24/12/21 को कि जो उनके यहाँ सहायक सचिव हैं सचिन पांडे, उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। उसके जो उन्होंने शिकायत की थी उस पर कार्रवाई की गई, उसकी रिकॉर्डिंग की गई, उसमें रिकॉर्डिंग में 10,000 की इनके द्वारा मांग की गई थी, जिसमें 3,000 रुपये उन्होंने उसी टाइम ले लिए थे और 7,000 रुपये उन्होंने 1-2 दिन में करने के लिए बोला था। ये पैसे इनके पंचायत भवन के जो निर्माण के होता और हार्वेस्टिंग सोखते गड्ढे थे और बाउंड्री वाल जो बननी थी उसके जो बिल मस्टर लगाने थे, उसके एवज में ये 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है आज? आज इनको 7,000 रुपए जो बचे हुए थे, 7,000 रुपए रिश्वत के लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और जो कार्रवाई और रंगे हाथों पकड़ा गया है, 7,000 रुपए लेते हुए कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई की जाएगी क्या? कुछ की जाएगी, कार्रवाई जो होगी जो रहती है पूरी कार्रवाई होगी जाएगी। थोकबंद आईपीएस अफसरों के तबादले करके सरकार कानून व्यवस्था की असलियत छिपाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि राजभवन के सामने बैंकों में चोरियां हो रही हैं, नशे का कारोबार चल रहा है, दुष्कर्म रुक नहीं रहे हैं और सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है। गुप्ता ने कहा कि तबादला प्रशासनिक अराजकता स्वीकारिता का उत्तर नहीं है, यह समय उगाही का नहीं जनता की भलाई का होना चाहिए। साप्ताहिक तबादला उद्योग का नया लॉट मध्य प्रदेश में जारी हो गया है। 28 अफसरों को इधर से उधर बदल दिया गया है। यही जो है मध्य प्रदेश का डिलीवरी सिस्टम है। राजभवन के सामने चोरी हो रही है, बैंक लूट रहे हैं, लेकिन इसका समाधान पकड़े नहीं जा रहे लोग, और इसका समाधान है केवल ट्रांसफर उद्योग। इसमें दोनों तरफ से फायदा रहता है, उगाही भी हो जाती है और इज्जत बचाई भी हो जाती है।
ग्वालियर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नए साल के स्वागत के लिए 31 दिसंबर की रात को 11 बजे के बाद पटाखे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा ने इस संबंध में एसपी अमित सांगी को एक ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर की रात 11 बजे के बाद पटाखे चलाते हैं तो उसके खिलाफ FIR की जाए। उधर एसपी ने कहा कि शहर में धारा 144 और रात 11 बजे से कर्फ्यू लागू है जिसका पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। ये ज्ञापन मुख्यतः जो 31 होता है नए साल के आगमन की पूर्व संध्या होती है उसमें इनका कहना था कि रात्रि में कार्यक्रम ना हो, इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा 144 के निषेधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं कि 11 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू है। पुलिस निश्चित रूप से इस आदेश की तामीली कराएगी और इस संबंध में एडिशनल SP और ADM द्वारा सभी होटल संचालकों लॉन संचालकों की बैठक कंट्रोल रूम में ली जा चुकी है और उनको निर्देशित किया जा चुका है कि रात को 11 बजे के बाद किसी भी हालत में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा और यदि कहीं कुछ होता है तो इसमें प्रॉपर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज जो है जिला ग्वालियर के तत्वाधान में एक ज्ञापन दिया है 2 सूत्री मांगों को लेकर। हमारी मांग है कि 31 तारीख और 1 जनवरी को जो है कोई भी लोग अपने घरों के सामने 11 बजे के बाद फटाके ना चलाएं। यदि फटाके चलाए गए तो अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। SP साहब ने कहा है कि हाँ बिल्कुल, यदि 11 बजे के बाद कोई भी धमाका चलाएगा फटाका चलाएगा तो उसकी FIR किसी भी थाने में का क्षेत्र हो किसी भी एरिया में हो दर्ज होगी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ अपराधी प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। हमारी मांग है दूसरी कि शहर के अंदर कोई भी अपराध कोई भी जो है मादक पदार्थ जो है नहीं बेचा जाना चाहिए क्योंकि मादक पदार्थों स्मैक है MD है और गांजा चरस अफीम जो लोग अवैध रूप से बेच रहे हैं उससे युवा पीढ़ी का विनाश हो रहा है। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हिंदू महासभा ने मांग की है कि उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। क्षेत्र में रात से हो रही भारी बारिश से धान मंडियों का हाल बेहाल हो गया है। महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम टेमरी धान मंडी में लगभग 5000 बोरी धान भीग गई है। धान मंडी में फंड प्रभारी और कर्मचारी सभी गायब हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी सोसाइटियों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराई गई है उसके बाद भी धान भीगना फंड प्रभारी की लापरवाही को दर्शा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बड़ी लापरवाही का खामियाजा आखिर किसको भुगतना पड़ेगा। वहीं सरगुजा जिले में भी इन दिनों लगातार बारिश हो रही है जिससे छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। सरगुजा के उदयपुर में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्र उदयपुर में धान भीग रही है। धान खरीदी केंद्र में कोई शेड नहीं बना है जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं समिति प्रबंधक ने बताया कि अभी तक 16,855 क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है लेकिन अभी तक 26,000 क्विंटल का उठाव हुआ है। आज तक 16,855.60 क्विंटल खरीदी हो गया है, 2600 क्विंटल उठा हुआ है। और समस्या यह है सर कि यहाँ शेड हो जाता तो बरसात वरसात से दिक्कत नहीं होती। अभी खरीदी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? अभी सर वही से बरसात की वजह से फड़ गीला हो गया है इसलिए यहाँ धान अल्टी पल्टी का खत्म नहीं रहा है, जमीन गीला हो गया है। क्या चाहते हैं आप? हम वही चाहते हैं कि शेड हो जाता तो बरसात से दिक्कत से निजात मिल जाता तो आदमी का भी आसानी हो जाता, धान खरीदी में भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ दिक्कत हो रहा है भैया कि उदयपुर में हमारे यहाँ फड़ नहीं बना है, फड़ तो बना है लेकिन यहाँ वो छतरी का व्यवस्था नहीं है, तिरपाल दिक्कत हो रहा है, धान भींज रहा है और शासन को देने में हमको दिक्कत हो रहा है। धान भींज जाएगा तो शासन बोलेगा कि नहीं धान भीग गया, तो किसान को दिक्कत होता है कि नहीं आप नमी में कमी है कि है ना। और हमारे जो सोसाइटी के मैनेजर हैं स्टाफ के जो भी हैं उनको दिक्कत होता है कि नहीं आपका धान भीज गया, ये हुआ व्यवस्था नहीं हुआ है, ये सब करके दिक्कत होता है। हमारे कृषि जो भी कृषक भाई हैं उनको दिक्कत होता है कि अभी खरीदी भी नहीं हो पा रहा है, 2 दिन से पानी हो रहा है, पानी आ गया है तो उनके कारण हमको यहाँ बिक्री भी नहीं हो पा रहा है धान का है। तो यहाँ तिरपाल व्यवस्था होना चाहिए, फड़ बनना चाहिए है ताकि हमको धान का बिक्री करने में दिक्कत ना हो। 2 दिन से टोकन यहाँ दिया गया है उनका, यानी यहाँ धान नहीं आ पा रहा है पानी की वजह से है। तो इनको हमारे छत्तीसगढ़ शासन से हमारा अनुरोध है कि इनको
फड़ बनना चाहिए, इनका जो छाने वगैरह है वो बनना चाहिए हैं। हमारे सरगुजा से अंबिकापुर संभाग से उदयपुर में फड़ बनाए हैं, तो ये नियम होना चाहिए कि ये बनना चाहिए। धान इतना इतना नुकसान हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में जाएगा, हम तो किसान भाई ही इसका उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए, है ना। बागली अनुविभाग के उदयनगर में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान उदयनगर निवासी करण पिता वीरपाल सिंह चौहान के रूप में हुई है। उदयनगर पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया गायत्री मंदिर के नव निर्माणाधीन भवन परिसर में बने शेड में गिरने से शेड के बने गड्ढे में गिरने से हुई है। युवक की मौत होने का अंदेशा है। वहीं शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उदयनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। उदयनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नरसिंहगढ़ में भोपाल से बीनगंज दौरे पर जा रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौर ने गृह मंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया, जहां आतिशबाजी भी की गई। स्वागत के दौरान भाजपा जिला महामंत्री गोपाल खत्री, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के ग्राम गोडमर्रा में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कालीचरण की गिरफ्तारी के सवाल पर पत्रकारों से उन्होंने कड़े शब्द कहे। उन्होंने कहा कि छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर वो सच्चे हैं तो पुलिस के सामने सरेंडर करें। और उसके बाद आगे मैंने पहले कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है, उसमें जो जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कालीचरण जी बहुत उसको अपने बयान पे दुख नहीं है तो उसको आग सरेंडर करना जी, सामना करने जी। गिरफ्तारी होगी क्या? आप क्या है टीम यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाए गिरफ्तार करे अकुला? छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।